है प्रीति राजपूत, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और किसी जमाने में साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस रही जयललिता की लाइफ से इंस्पायर वेब सीरीज क्वीन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो चुकी है। जयललिता के रोल में नजर आ रही हैं साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस रम्या कृष्णन। इसके अलावा एमजीआर के रोल में है एक्टर इंद्रजीत सुकुमारन और वामसी कृष्णन ने प्ले किया है शोभन बाबू का रोल। सीरीज में दो और लीड एक्ट्रेसेस हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट अनिका और अंजना जयप्रकाश। अनिका ने 15 साल की जयललिता का रोल प्ले किया है, तो वहीं जयललिता के टीनेज को प्ले किया है अंजना जयप्रकाश ने। वेब सीरीज को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा क्वीन में लीड कैरेक्टर का नाम शक्ति शशाद्री रखा गया है। खास बात यह है कि वेब सीरीज में नामों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। सीरीज का एक एक किस्सा आपको जयललिता को याद करने पर मजबूर कर देता है। फिर चाहे स्कूल की टॉपर शक्ति को उसकी माँ का स्कूल छोड़ने को मजबूर करना हो या फिर जबरदस्ती फिल्मी दुनिया में जाना, जो शक्ति के ख्वाबों की हकीकत से कोसों दूर था। सीरीज की शुरुआत शक्ति शशाद्री के इंटरव्यू से हो रही है, जहां इंटरव्यू में शक्ति कहती है कि कोई भी बहादुर पैदा नहीं होता। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और सामने आती है एक 15 साल की बच्ची जो स्कूल की टॉपर है। माँ स्ट्रगल करके उसे और उसके भाई को पाल रही थी। घर के हालात और माँ की जिद उसे उसके सपनों से दूर साउथ सिनेमा की फिल्मी दुनिया में ले जाती है। अब जबरन ही सही, लेकिन वो अब इस दुनिया का हिस्सा थी, इसलिए उसने इसे अपनी तकदीर बनाकर बड़ी बखूबी से अपनाया और 18 साल की उम्र में बनी साउथ की क्वीन। पर वो इस राह में अकेली नहीं थी। इंटरव्यू में शक्ति कहती है कि उसकी कहानी उस दिन बदल गई जिस दिन वो एमजीआर से मिली थी। कहते हैं जीएमआर ने जयललिता को बनाया था और ये सीरीज में भी साफ देखने को मिला, लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया जब जयललिता जीएमआर से दूर हो गई थी। इंटरव्यू में रिपोर्टर जब शक्ति से ये कहती है कि जीएमआर आपको संभाल कर रखना चाहते थे, तो शक्ति कहती है कि इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जीएमआर मुझ पर हक जताना चाहते थे। ये किस्सा जयललिता और एमजीआर के रिश्तों की कई परतों को खोल कर रख देता है। एमजीआर से दूर होने के बाद जयललिता का लव अफेयर शोभन बाबू से चला। जयललिता शोभन बाबू से शादी करना चाहती थी। जयललिता की जिंदगी के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को भी सीरीज में दिखाया गया है, लेकिन कुछ रिश्ते तोड़ कर भी नहीं तोड़े जाते। ऐसा ही कुछ जयललिता के साथ भी हुआ था। 9 साल बाद जयललिता एमजीआर से वापस मिली और यहाँ से शुरू हुई थी उनकी राजनीति की कहानी। क्वीन वेब सीरीज की सबसे खास बात जो है वो ये कि इस सीरीज के कैरेक्टर्स को इतनी बढ़िया तरीके से गढ़ा गया है कि इनके नाम बदलने के बावजूद भी हर किस्से हर एक्सप्रेशन से जयललिता और उनसे जुड़े लोगों की याद आ जाती है। वेब सीरीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है, लेकिन डायरेक्शन से भी ज्यादा काबिले तारीफ है फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग, जो हर पॉइंट पर आपका दिल जीत लेती है। खास तौर पर शक्ति के रोल में राम्या कृष्णन, अनिका और अंजना जयप्रकाश लाजवाब हैं। जिस तरह राम्या कृष्णन ने जयललिता की बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड को कैरी किया है वो काबिले तारीफ है। इंद्रजीत सुकुमारन और वामसी कृष्णन ने अपने कैरेक्टर्स को बेहतरीन तरह से रूप प्ले किया है। अगर सीरीज में कहीं कुछ कमियां नजर आती हैं, तो वो है स्क्रीन प्ले और एडिटिंग में, पर वो एक्ट्रेस के लाजवाब एक्टिंग के आगे ढक जाती हैं। ऐसे में अगर यूं कहें कि क्वीन अब तक की बेस्ट बायोपिक वेब सीरीज है तो गलत नहीं होगा। तो ये था क्वीन वेब सीरीज का रिव्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल HS News को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।